Assalamualaikum, आप देख रहे हैं Sunshine Morning and I'm your host, of course, pretty host, Sharibul Hashmi. And this is, you know, must morning. We definitely see another day, and this is definitely great. Goes to Allah Pak that हमें एक और दिन दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से सेहत और तंदुरुस्ती के साथ माशाल्लाह से. So welcome you all, and the time has started. Of course, today is the Labor Day. जैसे कि आपको पता है कि आज का जो दिन है, the first May, it's always Labor Day, but they haven't any work on those people. I mean, like, they always expecting from everyone, from all of us, that उनके लिए कुछ होगा, उनके लिए कुछ ऐसा होगा कि जो वो इतनी मेहनत करते हैं उसका सिला उनको कुछ बेटर मिले. नॉट यू नो, जैसे हम लोग एक आम इंसान हम सोचते हैं कि भाई हमें प्रमोशन मिलना चाहिए, तो वो जो है सिर्फ थोड़ा सा बोलते हैं, मतलब वो थोड़ा सा चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात है नहीं हो पाता है ऐसा कुछ, उनके लिए कुछ बेटरमेंट नहीं हो सकती. तो इसके हवाले से डेफिनेटली हम बात करेंगे, लेकिन जो मेन हमारा मोटिव है अबाउट एजुकेशन एंड अबाउट हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स बट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज एंड वी रियली नीड, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ. जब एजुकेशन होगी तो आपको अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस के साथ साथ आप जब खुद एजुकेट होंगे तो आप बाकी चीजों को भी कर सकेंगे. वेल, ये सारी बातें डेफिनेटली हमने खुद के लिए नहीं करनी है, हमें अपने गेस्ट के साथ करनी है. आज के बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं, कि मैं समझता हूँ कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, हम लोग जो मीडिया टेलीविजन पे काम कर रहे होते हैं, वी आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट रादर देन देम. सो definitely I'm going to introduce you as a very wonderful lady. First of all, I have on left here with me in the studio, so we'll talk about the things, the work she is doing, or woh matlab ahd leke chali aur waqai usko kar dikhaya aur highlight nahi hua. Mujhe is baat pe thodi si hairat hui. Abhi hum log onion jaane se pehle I was talking to her about that how she has started and kya inspiration thi wo main chahunga ki camera ke samne matlab aap log ko bhi pata chale. To hum log iske upar baat karte hain. Let's have the wonderful lady, the real celebrity. I'm talking about Parveen Saeed, the Khana Ghar. She has started her mashallah work like about I think so 10 to 15 years she told me that. And let's ask her first of all. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? ठीक ठाक, माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, जो माशाल्लाह ये अपने काम शुरू किया, मतलब आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ यू. शुक्रिया. 15 साल हो गए इसको? अच्छा जी, दैट्स रियली नाइस. तो ये जब स्टार्ट किया था आपने, क्या सोचा था आपने कि मतलब यू वर द, ऑफ कोर्स आप पहले अकेली ही खड़ी होंगी? अभी भी अकेली. अच्छा जी, बेशक वसीले पैदा करता है अल्लाह ताला. माशाल्लाह बेशक. शुरू तो मैंने 29-30 साल पहले कर दिया था. अल्लाह ने मुझे जैसे जैसे इलाके से दिल में डाली कि मैं गाँव शहर के दवाई इलाके में, मतलब ऑपोजिशन बहुत थी, लेकिन मेरे दिल में यही था कि बस ये जिंदगी छोड़ दें. पहली बेटी पैदा हुई जब वो 6 महीने की थी, तो मैं सरकारी गाँव के इलाके. Oh my God, I mean, इतनी डिफरेंट माइग्रेशन के, मतलब आप लेकिन इलाके से वाकई में आप वहाँ जाके बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं. मैंने उनके साथ जिंदगी को साथ जी, और जब वहाँ गुजारे तो मुझे एहसास हुआ कि गरीब क्या है, परेशानी है. मैं अगर इन इलाकों में कभी भी नहीं
नहीं वैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे और ऑफ कोर्स मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहता हूँ कि ये मतलब आपने सोचा, मतलब सोच कैसे आई, क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसा वाक्य नमा हुआ हो? कैसी माँ है कि वो अपनी औलाद नीचे तक, लेकिन हम काम कर रहे हैं।
मुझे किसी टीवी चैनल पे कोई गिला नहीं है, वो बुलाकर वाह-वाह करे। आप मुझसे बात करें तो गुर्बत क्या है, गरीब की मसाई क्या है, महंगाई क्या है, उन मौजूद की बात तो फिर मजा है ना सर। हाँ अपना मैसेज आगे पहुँचाए आप बेटर बाबा के लिए। Very nice. I really feel more bad. More bad about people के वाकई में वो सब यही सोचते हैं। Well, we moving on to the other guest. But here I have to get a break. So मैं break से वापस आता हूँ और आपको मज़ेदार दो हमारे services guest से मिलवाते हैं। इस बार में celebrities in there. So we'll be right back after this short commercial break. देखते रहिए Sunshine Morning में चार बजे। बहुत कुछ सिखाती है। जब सब नजरें तुम पर हो तो तुम आसमां पर नजर रखो। लड़खड़ाओ तो खुद संभलो। इन रोशनियों से ज्यादा कुछ चमको। कुछ भी हो जाए अपना साथ ना छोड़। रंग रंगी में साया नाम देनी मैं पिया नाम दा दीवा भला। और खुद को पहचानो क्योंकि हर ख्वाब को पाने के लिए all you need to do is believe in this. जब सा ये रिश्ता या जब सी ये यारी आई जरा कंट्रोल करो हिम्मत की तुम्हारी। When दिल में इतना प्यार है तो why not स्वीकार है। ओ ब्रदर ओ ओ बिरादर ओ ओ भाई अजब सा ये रिश्ता है अजब सी ये यारी। ओ भाई मुरली इतना नहीं एपड़ी என்னத்த
के बैंडवर पर अंजाड़ी पोहरा विवर सीक्रम एफडी சாப்பிடுறது மட்டும் இல்ல குடிக்கவும் குடிக்கிறேன் காம்ப்ளான் காம்ப்ளான் என்ன உள்ள 100% மில்க் புரோட்டீன் முன்னணி ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸை விட 3 மடங்கு அதிகம் இது குழந்தைகள் வேகமா வளர உதவும் ஐ அம் எ காம்ப்ளான் பாய் காம்ப்ளான் வேகமா வளர பிளான் மிட்டாஸ் கி புச்சார் ஹோ on an early morning. Thank you so much, you guys. First of all, ma'am.
Ageless love till it hits a wall. Ageless love, it's bound to fall. Ageless love till the end of time. पाकिस्तान के दो मेजर प्रॉब्लम, एक रोटी और एक एजुकेशन, ये बहुत लाजिम है, ख़ास तौर पे मजदूर तबके के लिए, मासियाँ और मजदूर जो रोटी खिला लें तो बड़ी बात है, अगर रोटी खिला लेंगे तो एजुकेशन के लिए नहीं है। तो मैंने स्कूल इसीलिए रन किया, ख़ास तौर पर गुलिस्तान जौहर से स्कॉट कॉलोनी शिफ्ट हुई गरीब बच्चों के लिए, start to show change if I have to go away again. One more time to make a mess of me, you will know if I have to go away. If I have to go away, to change your lifestyle, do what's to them, because jab aap wahan nahi hoge aapko pata nahi hoga, aur pata nahi hoga to aap unke issues ko check nahi kar paoge aur dekh nahi paoge, can't see them, I'm not what they're doing. To ye badi baat hai. To aap matlab kahan rehte the? Aap Gulistan-e-Johar. तो अभी जो आप माशाल्लाह ही काम कर रही हैं, the free education, जी जी, that is for the poor child, जी जी, जो कि गरीब बच्चों, जी जी, क्योंकि मैं गरीब बच्चों में ये चीज देख रही थी कि वन या टू पढ़ी, जी बच्चा कहाँ है, स्कूल क्यों नहीं जा रहा, जी वो तो बाप के साथ मजदूरी पे गया है, रीजन चाइल्ड लेबर, बाजी है इनको खिला लें या पढ़ा लें, ये जवाब होता था तो मेरा दिल दुखता था बहुत, कि ये आने वाली नस्लें इनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, लाजमी इनके अंदर अवेयरनेस पैदा करनी, क्योंकि मुल्क हमारा इन्होंने ही संभालना पड़ेगा। दोनों चीजें, मेरा क्लिनिक भी है, नहीं नहीं क्लिनिक पर्सनल, और उसमें स्कूल में एक फ्री मेडिकल कैंप लगाती रहती हूँ, कभी आइस कैंप, कभी सिंपल कैंप। अच्छा, ये डेफिनेटली आजम साहब जो है स्टॉक एक्सचेंज से हैं, आपने कुछ ऐसा बोला, आप माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज से आजम साहब, मतलब जब इन्होंने ऐसा पूछा तो आपके क्या व्यूज थे? पहले भी उनका शौक था, उनका ये था कि बच्चों को पढ़ाती हूँ, ऐसे फीस पे नहीं कर सकते थे, बाद में मैंने बोला कि आपके स्कूल तो डॉक्टर बोले नहीं, मैंने देखा कि बच्चों में कुछ बनना चाहता लेकिन बन नहीं पाते। अब यकीन करें जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं ना, चाहे सुबह स्कूल में पढ़ते हैं और शाम में किसी शॉप पे, मतलब मेडिकल स्टोर पे बैठे हैं, कुछ जिंदे ठीक कर रहे हैं, फिर मैकेनिक बन रहे हैं, लेकिन उनमें शौक है कहीं कुछ पढ़ लें, कुछ बन जाए। अभी जो एनुअल रिजल्ट हमारा हुआ था, उस पर हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी अपने स्कूल के गरीब बच्चों के, मतलब पढ़ना भी चाहता हूँ, काम भी करना चाहता हूँ, लेकिन इनके पीछे कोई नहीं है। किसी एन जी ओ से बात करो, गवर्नमेंट से बात करो, तो कोई नहीं आता, जो करना खुद ही करना है, खुद ही इसको लेकर सपोर्ट लाजमी चाहिए, क्योंकि हाई से हाई एजुकेशन के लिए इनके सर पे हाथ रखने वाला होना चाहिए, क्योंकि आज हमें कल नहीं होंगे तो उनकी तालीम अधूरी रह जाएगी बीच में, ये बच्चे सपोर्ट मांगते हैं। अभी तक नहीं, मैं अकेली ही चला रही हूँ, छह साल से, सातवां साल है। काबिल करें इसके कि आप ये चीजें और मजीद बेहतर कर सके, और सबसे पहले उठता हूँ, तो उसके बाद मैं स्कूल में बैठता हूँ, 8:30 तक मैं स्कूल को देखता हूँ, 8:30 बजे थोड़ी आज फिर मैं ऑफिस चला जाता हूँ, फिर शाम में आके फिर मैं उसको देखता हूँ। हमारा कोचिंग भी है और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है, जी जी, और जून जुलाई में हम लोग कंप्यूटर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं,
लाजमी है इसका। Pour sortir de Paris, mais le cap sur la Normandie, laissons la vie laisser ici. बस ज्यादा और रोज रोज महंगाई बढ़ रही है, उसमें तो वो तादाद बढ़ रही है, तादाद कम तो नहीं हो रही, कम होती तो मैं समझती कि हाँ भाई मैंने किरदार अदा किया, मतलब यहाँ हो ही नहीं रहा है। जाहिर है कि हमारे मुल्क में तो बड़ा प्लेटफॉर्म आ जाए, सारे वाली यहाँ टी वी शो सारे आज सारे खबरों में आ रहे हैं, मतलब क्या है गरीब जो रोटी के लिए बच्चों की तालीम अच्छी सेहत में मेरे इदारे में एक बच्चे
بچہ آیا کہنے لگا میری ماں ہی کہنے میرا بچہ جو ہے لیکن ہم اب ایک سال کے بعد اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہمیں آپ اٹھائیے نا ہائی ذہین بچہ کمپلیٹ کر کے اپنے گھر والوں کی حفاظت کر رہے ہیں ہم نے تو تمام چیزیں بھی ختم کر دی ہیں نا ہم کہاں کھڑے ہیں ہم نہ پاکستانی ہیں نہ ہم مسلمان ہیں کچھ بھی نہیں ہم کہاں جا کے کھڑے ہیں ہم کون کون سے لیگ سے اس ملک کو چھپاتے رہے ہیں اور بڑا نام ہے ان کا ڈاکٹر ہے انجینئر ہے سب کے ماڈرن بائی پاس سے لے کر سجانی کا جو
बहुत सारे ग्रोथ उसके दरमियान में आते हैं, बहुत सारे गरीब लोगों की आबादी नजर आती है हमें। हम बहुत आयशोगी से चलते हैं, हमें ये नहीं शौक है कि हम ज्यादा जो है ना कहीं टी वी बैठ जाए और वो करवाए। मैंने आपको आपने में ऑनेस्टली इनको इतना ज्यादा देखा भी नहीं, बुलाते नहीं है ना सारा काम ही जो है ना नाच गाने से शुरू होकर फिल्म ड्रामे और वही सब कह रहे हैं, वही सब कह रहे हैं। मैंने मुझे जब भी बुलाया मुझे 10-15 मिनट टाइम दिया। मैं उनसे अब जो नाराज रहती हूँ इस वजह से रहती हूँ कि ये मसला 10-15 मिनट अब वही मेरी जगह किसी अदाकार को बुला के बैठा देते हैं, वो मेरी तीन उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस हो रही होती है। हम तो आम पाकिस्तानी के मसाइल जान कर बेहतर यही कि नहीं वैसे ही हमारे यहाँ बहुत है सोशल के मुद्दे नहीं और पास चैनल है जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी कर रही थी मतलब आपको अप्रिशिएट किया और आपको बुलाया तो सब चैनल ने सबने बुलाया लेकिन कुछ ऐसे चैनल जो गुर्बत जहाँ बात सिर्फ क्लिफ्टन से लेके डिफेंस डिफेंस से पीसी मैरियट शेरटन तक खत्म हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल जनाब ये पाकिस्तान नहीं ये पूरा पाकिस्तान नहीं आपने जो हम ये आप ये वर्क कर रहे हैं हुकूमत की जिम्मेदारी बिल्कुल है लेकिन हमने तो हुकूमत की तरफ भी नहीं देखा। हमने इस 15 साल में अगर देखा जाए तो 29 साल मैंने उस गरीब बस्ती में गुजारे एक एक कदम एक तो फूकर एक औरत बने की हैसियत से रख रहा फिर उसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड भी बनाए कि भाई हमें तो हर एक से फेस करना है। आप तो सियासी तौर पर देखे बहुत सारे लोग आए बहुत मिनिस्टर आए बहुत फोन किए वो कर दे वो कर दे मैंने कहा क्या करते हैं हम तो कुछ नहीं करेंगे हम खाना घर चला रहे दाल रोटी बनाकर हम अपने गरीब बहन भाई को खिला देते आप हमें किसी तराजू में ना तोड़िए हम सिर्फ एक लगन है हमारी हमें जो है ना काम करना है। अब रमजान से पहले पहले अब यकीन कर लें कि एक तरफ मेरे हस्बैंड बीमार है दूसरी तरफ जो है मुझे अपने घर को लेके चलना है और अपने काम को लेके चलना है जाहिर है कि ये तमाम काम आप ये नहीं सोचे ना कि ये क्या कर रही हैं आप एक पॉजिटिव काम कर रही हैं आप अपने आप को पुरसकून रख रही हैं। बेशक देखिए सबसे पहले हमारा जमीर खुद मुतमईन होना चाहिए अगर वो है तो वाकई में आप वो जो काम कर रहे हैं सही कह रहे हैं। अच्छा प्रवीण साहब मैं यहाँ पे बात करूँगा आपसे आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि इन्होंने बताया अच्छा खाना मतलब फूड विदाउट फूड वी आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू सर्वाइव ठीक है हम नहीं चल सकते सर्वाइव नहीं कर सकते लेकिन एजुकेशन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। वो यूँ है कि एक इलिटरेट बंदा है ठीक है यहाँ पे तो कुछ वैसे माशाल्लाह से ऐसे भी लोग हैं जो कि पढ़े लिखे जाहिल कहलाते हैं लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें आई थिंक सो 40-50% लोग होंगे जो कि इस चीज़ से अग्री करते हैं कुछ डिसअग्री करते हैं और जो तादाद होगी आप क्या समझते हैं कितनी तादाद है जो आपको सिर्फ आपको अपने इर्द गिर्द नजर आई 80% तो है 80% और गुर्बत की मेन वजह एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन एजुकेशन होगी तो गुर्बत मिटेगी लेकिन यहाँ पे एक लेनी है छोटी सी ब्रेक देखते रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं बाजी। पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामू। शेरों के पंजे भी अब से धो लेंगे जो रोकेंगे टोकेंगे हो खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे एवरीबॉडी हाथ धो ना फैले बीमारी जो आदत हमारी
अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं, अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इंफेक्शन मिटाएंगे, सबको सिखाएंगे, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? कीचड़ लगा, साफ ही तो है। डेटॉल दे आम साबुन के मुकाबले में 100% बेहतर हिफाजत। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। अपने पीटी सर कितने खड़ूस हैं, हंसते ही नहीं है। सादिया तो सलामी वरना गुलामी। एक झटका, दो झटका। अटेंशन, आर यू फुल्ली रेडी? फुल्ली रेडी सर। फुल्ली रेडी सर। Fully. Fully के साथ no control sir. एक झटका, दो झटका। Fully, कहाँ से मिली? Giggly Fully, और Fully, और Fully, Fully, Fully. Ladies, ladies, Fully, Giggly Fully. Fruit flavors को मस्ती मिली. Hilal Fresh Up Center Fill Gum. Life mein freshness aane do. Unshackle my chains, Easter season discoveries. Dancing in my dreams, I like to grasp it. Love to glance at it, step into the grass because it's blissful. Mujhe achha lagta hai. Apna ye chidiya ka ghonsla. Dress code ka code todna. Is teedi naak ke saath hat kar chalna. मुझे अच्छा लगता है अपना ये बिल्ट इन नजर का टीका। इनका बहुत काली है। किसी की परफेक्शन का बबल बर्स्ट करना मुझे अच्छा लगता है, और इन्हीं इम्परफेक्शंस के साथ परफेक्ट होना मुझे अच्छा लगता है। वेलकम बैक नाज़रीन। वेल, हम बात कर रहे थे देखे ना, ये वही वाली।
बात होगी, जैसे मैंने बात किया कि इन्होंने मतलब कुछ लोगों से बोला जो अपना हिस्सा मांगने आए, तो इन्होंने बोला कि भाई ठीक है अगर ऐसा है तो ऐसा सही, इसलिए मौत से नहीं लड़ती है। बेशक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है और लेने का हम वही लेंगे, लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है सिस्टम को, ठीक है ये सिस्टम ही है जो चल रहा है, वाली बात हुई। जनाब ये आप देखें कि आया है आया नहीं है, वहाँ बचा है क्या, आप उनका हक है वो बड़ा क्योंकि खाली में मेरे गली में बोला बैठी हुई हमारा बात सुनी के मतलब यही बात अब देखेंगे जो भी करप्शन कर रहे हैं करोड़ों की हो रही है, कभी अरब की हो रही है और वो उनके तो घर ही जा रहे हैं बच्चों को खिलाते। आपने मतलब पहले उनका नॉर्मल स्कूल था, फिर आपने बड़ा जबरदस्त स्कूल दे दिया भाई जिसकी लाख रुपये फीस है, तो वो कहाँ से पूरी हो रही है? अगर नॉर्मल हम लोग जाएँ एक मिनिस्टर की सैलरी में, ठीक है प्रेजिडेंट की सैलरी में, तो वो इतनी नहीं होती। कहाँ गया अप्लाई किया कि बच्चों के सरों पे हाथ रखिए। अच्छा आपको जैसे कि परवीन साहब ने बहुत अच्छी बात की, क्लियर बात की बड़े स्कूल में खाली देखा लेकिन मजदूर पे भी थे, तो ये वही वाली बात है कि खाने को मिलेगा इनके बच्चों को, बीमार हो जाए तो दवा मिलेगी, मर जाते हैं तो खबर नसीब नहीं होती। आप छोड़ दीजिए जिंदों की कहानियां, जिंदा तो स्ट्रगल करने का बच्चे आप महसूस कर सकते हैं, महसूस ही नहीं करेगा कि गरीब मर रहा है सड़क में मरे या घर पे मरे,
हो गया है, ये सिर्फ अजीब है हमारा कि हम अगर मैं कहती हूँ चले ठीक है, हम अकाबरीन की तरफ भी देखते हैं, हम सरानों की तरफ भी देखते हैं, जो अपने लोगों की ग्रुप हम अगर आप सवाल करें हम पे और आप में तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, लेकिन यही चीज हम किसी मिनिस्टर के सामने खड़ा होना पड़ेगा तब जाके किस पोस्ट पे खड़ा करें, फॉर्म तो मुर्दा हो गई, वो तो रोटी और उस पे लगा दिया दाल दलिया जिसे कहना चाहिए, वो किसी भी इशू पे नहीं बात करेगी, कौन कर आए कर अपना शहर जब बंगाल था, कौन लोग और लोग आपके मसले को हल करने के लिए आते हैं, इससे आवाम निकल आम लोगों की बात करें, वो नहीं तो जो पार्टी बन कर उनकी बात नहीं करें, आम पक्ष कहाँ से निकल कर 24 घंटे में रात से शुरू होंगे, फिर वो उठा लू गई इतनी गर्मी में मजबूर दो दो तीन दिन तक मैं जाकर अजीम आदमी, लेकिन उस अजीम आदमी के घर में खाने को इतना पहन लिया कि हमने तो हमारे पास इंतजाम है, हम सिर्फ एक वो चीज दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान में सिर्फ एक सर है, आप सबकी बात नहीं करना, आप देखते ना टीवी चैनल पर क्या कपड़े आते हैं और क्या मेकअप होता है, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी जरूरत है, नहीं है आप खुदारा खड़े तो होइए, आप ये तो कहिए कि मैं जो है आपके कॉस्ट पे कर, लोग आते भी हैं, एक प्रोग्राम हमारे खाने के अंदर हुआ, बहुत शुक्र गुजार है उस रोज की, लेकिन जिन्होंने जिनको मेहमानों ने बुलाया मेहमानों ने भी बहुत सपोर्ट की, उन्होंने ऐसी सपोर्ट की सारी जिंदगी हम हमारे खाने घर पे पैसे भी लगवा दिए, सब कुछ हुआ, आज डेढ़ साल हो गया, आपके पास हम लोग दोबारा इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सनशाइन मॉर्निंग विद चारा प्रकाश। मामू से मिली पिंटू को कैंडी, कोबरा कैंडी, छुटकी पर जब नजर पड़ी तो चले खिलाने कोबरा कैंडी, रस्ते में मिल गई जगबाजी, छुट्टी जान बाजी से तो दादाजी टकराए, जब भी कोबरा कैंडी लाए दादाजी को खिलाए, delicious, 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 delicious,
आकाश तो पक्का नाराज हो जाएगी। टाइम तो देखो, तुम बाहर खाने नहीं जा रहे ना? जा रहे ना, चलो रेडी हो जाओ। जूसी टमाटो से बना कनोर केचप, जिससे घर के खाने को मिले फास्ट फूड का ट्विस्ट। कुछ ऐसा लगा बाहर का खाना? घर का खाना फास्ट फूड का ट्विस्ट, कनोर टमाटो केचप। तो की मन खड़ा ना फिर अब करो चिकन चिकन बोल रहे क्या मुझे चिकन नहीं नहीं था खबर ना कई साल से साथ है, जब बुलाऊं पास आ जाए, इतना कभी कोई दिल को नहीं भाया। कौन है वो? नंबर दो, बात करेंगे। नंबर भी याद है? 11-12-44-622। मैकडॉनल्ड्स 11-12-44-622। जब सब कुछ हो इतना मजे का तो नंबर तो याद रहेगा। मेरा पहला प्यार। और आपका पहला प्यार? वेलकम बैक। जी बात हो रही थी, आई विल मूव टू हर एंड टॉक अबाउट इट। जी जनाब, लोग बात कर रहे थे कुछ ऐसे इश्यूज पर जो कि वाकई में काबिले गौर है, जिन पे हमें बजात खुद भी गौर करना है। मतलब एक होता है ना, हम उम्मीद लगा लेते हैं ये करेगा वो करेगा, उससे ज्यादा मतलब कि वो लोग इतना कर सकते हैं आराम से, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में उन लोगों की जेब से इतना नहीं निकल पाएगा जितना कि नॉर्मल बंदा, मतलब वही वाला कहते हैं कि एहसास एक ऐसी चीज़ है कि भाई अगर जानवर में बताया गया, देयर टू डिफरेंट डेफिनेशंस, कि भाई जब एक जानवर के सामने हम किसी जानवर को ज़बह करते हैं तो वो उसको देख के वो फील नहीं करता जो कि इंसान फील कर सकता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर एहसास होना चाहिए, और मेरे ख्याल में कुछ लोगों के अंदर ये मर चुका है, उनके साथ साथ उनका ज़मीर भी मर चुका है। खुदारा इस चीज़ को जगाइए जो कि आपके अंदर मर गया है। मैं स्पेसिफिकली अपनी गवर्नमेंट से बोलूँगा और ऐसे लोगों से जो कि वाकई में उन ओहदों पर बैठे हुए हैं, जिन पर बैठ के उनको कुछ करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक एसी के कमरे से निकल के एसी वाली गाड़ी में बैठ के और फिर घर में पहुँच जाना है। वहाँ से निकलिए और देखिए कि आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, किन की आपको ज़रूरत है, क्योंकि फिर वापस जाना है आपने अपने खुदा के पास कब्र में अकेले। सो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। एंड नाउ आई एम introducing you the guy, I think so, I should check myself because messages ki bhi baat ho rahi thi, to I got some messages ki bhai iske andar kuch aisi cheeze bhi include kare. So I have a very special guest right now, the other on this, and he related to Madhushan as well. So welcome Mr. Sunny Madhushan, please have a seat. How are you? तो जी सनी जनाब, कैसे हैं आप? अच्छा, तो ये माशाल्लाह कब से स्टार्ट किया आपने और कितना टाइम हो गया? जबरदस्त। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे आप, कहाँ काम करते थे? अच्छा, तो आपको कोई बड़ा चांस
मिला नहीं। कोई खास इशू बताया गया वो आपको? हाँ, आप फिट नहीं है, कोई ऐसे रीजन? ओके जी, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे Stay up till the morning. I sleep when I'm dead. We can smoke out his roll one, but don't spill that weed in my bed. You're still here in the morning. We're going on the break, and after the break, but I got you to do. I got places to be. I got people to see. I seen you sing before. Hey, I know you are so good. Look, you always do the most of the doors. जाते तो हर रोज हो, पर मिलके नहीं जाते। मुस्कुरा के देख लो, रहते हैं इंतजार में। जब जब पास नहीं होते, दिल में हमेशा रहते हो। कब कब याद सताए, तुम्हें बता भी ना पाए। निभा रहे हैं साथ, पर साथ नहीं है। तुम्हारे नाम हो हर शाम, इंतजार यही है। को पिघला दे कैंडीलैंड नोवेला, ये आम चॉकलेट नहीं, नोवेला मिल्क चॉकलेट, इतनी रेशमी और मुलायम, मुंह में घुल जाए, दिल पिघल जाए। किसी से उपजे में पौधों में हमारी प्यार की खुशबू नहीं आती। ऊची सीन तो फवाद खान का ही है। चल पगले, इसे ज्यादा सीन तो ऊची की मूंछ का है। आज सुबह में लेट उठा, याद आया कि मीटिंग थी, ऑफिस जल्दी में पहुंचा, फिर मैं फवाद खान मिल गया। भाई ने लिफ्ट में भी फवाद खान को लिफ्ट नहीं कराई। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप आया तो बोल। कुछ कहना? चा आपका फाइल होगा। बात तो आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ सर? पता नहीं यार, कौन लोग तंग करते रहते हैं हर वक्त। I don't know who he is। यार आपको सलाम देना मेरा, इसकी तो पार्टी खत्म हो गई है। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले, उनके मुंह खुले रह गए। वो फवाद खान को नहीं, मुझे देख रहे थे। सर गालिबन आप जल्दी में अपनी पतलून पहना भूल गए। लाइफ में ओए, चिप्स में सिर्फ ओए होए। ओए होए। Available in 6 exciting flavors. So go grab your favorite pack today. A product of United Snacks. Thodi si neend, but plenty of dreams. Halki si bhook, but ki heavy meals. For us, that's our plus. पढ़ना जरा सा पर GPA 3+ में, सोलो सा दिल है पर स्टोरेज जी भर के। डिम डिम सी लाइट पर ग्रैंड फील है ब्राइट, सिंगल सी पोस्ट पर 1000+ लाइक्स। स्लो सा ट्रैक पर स्पीड रुके ना एक पल, डूबता सा दिन पर उछलता तैरता शुगर।
Pakistan's best-selling smartphone is back with a plus. Samsung Galaxy Grand Prime Plus. More for less, that's our plus. मेरी आदत है मुट्ठी बंद करके मांगे, कोई भी चीज अक्सर में मांगता हूँ ना, हमेशा कहता हूँ मुट्ठी बंद करके दे दीजिए, मैं वो खा लूंगा। ठीक है, वैसे ही मैंने आपसे कहा कि मुट्ठी में डाल दीजिए सारी चाली, कैमरे के आगे बिना के सारी चाली डाल दीजिए। ठीक है जनाब, सब डाल दीजिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल साफ किलर कैमरे में दिखा दीजिएगा चाड़ के। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर दिखा दीजिएगा। ठीक है, अब सारी चालियाँ मेरी मुट्ठी में ही आपकी मुट्ठी। अच्छा, ये भी हाथ खाली है दोबारा, ये भी हाथ खाली दोबारा, सारी खाली। Wow.
शौक था मुझे बहुत ज्यादा This sound like every place I would go if I could fly. This feel like every summertime. Fall asleep dreaming about all the places I could go. And every one of them feels so close, still chasing time. And I am not a star, I think you're on a crash course toward Earth. And I'm not a star, I think you're on a crash course toward Earth. Get blocked in my build too, hope that you see it's a staircase. Still pray for a fair day, where they give a fair race to the male Nate and the Dogons and the essays and the fair face. आज भी काशिप के साथ खेलने नहीं जाओगे? नहीं, अरे उसकी तो बाइक की चेन टूट गई है। अच्छा हुआ, और मुझसे बाइक शेयर ना करें। सर्दी से कितना ठिठर रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम ये सूप पियो और कोजी हो जाओ। वैसे भी इस सर्दी में कौन बाहर जाएगा? कभी चेन ठीक करनी नहीं आई तुम्हें? पकड़ो, पी लिया तो बाकी भी फिनिश कर दो। इस सर्दी में अंदर जमी बर्फ पिघलाओ, फिर से दोस्त बन जाओ कनार सूप। बाहर की सर्दी को बाहर ही रहने दो। मिर्ची तेज चाचा, मिर्ची डबल तेज। मिर्ची करोला हाइट पे भड़का दे सैया साइड से। आ मचा दे शोर, बोतल खोल, चिक चिक न कर तू मन की बोल। मिर्ची करोला हाइट पे सारा तैयार हो जाके और बाल भी बनाने हैं। भाई की शादी है, रोज एक नया स्टाइल, पर उसके लिए बाल चाहिए थिक एंड लॉन्ग। खुले बाल और मेहंदी लुक्स परफेक्ट। Side braids, how stylish! Keratin yogurt se bana new Sunsilk thick and long. Isse mujhe mile do guna ghare baal. Koi bhi hairstyle banao jab baal ho thick and long. Jab baal ho thick, rule the wedding season with any style you pick. Thank you.
कोई एक्टर तो है नहीं, हम कोई बहुत बड़ी शख्सियत तो है नहीं। मतलब हमारी खपत कहीं नहीं है, हम अपनी जगह पर है, हम काम कर रहे हैं, हमें काम करना है और जो मसला है उसको इंफरादी तौर पर हम हल कर रहे हैं। हमें किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी बड़े लोगों की नहीं है, लेकिन आम पाकिस्तान जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है वो हमारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बहस ये पाकिस्तान में कहता है कि आपका काम बहुत अच्छा, हम आपके साथ कर रहे हैं, हम आपके साथ हमें तो हम तो आम लोग है ना, आम लोगों के साथ चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खाना घर चल रहा है, खाना घर के साथ दीगर मसाइल चल रहे हैं, तो वो सब अल्लाह ताला हल कराते जा रहे हैं। लेकिन वही बड़ी बात है कि उस मुल्क में गुर्बत का खात्मा अभी मुमकिन नहीं, जब तक आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं होती, आपके उसमें माहौल को बेहतर नहीं बनाया जा सकता, उसको सब हालात जब तक सच्चे और खड़े हुक्मरान आपको पार्टी पार्टी से नहीं हूँ, तब भी मेरा कहने से नहीं अफसोस होता है। देखिए मेरी तो उम्र कितनी हो गई है, 30 साल काम करते हुए हो गए, अब थोड़ी सी जिंदगी है तो खाबा खा इधर उधर भटकने में बेहतर है एक कॉस्ट पर आप जा रहे हैं काम कर रहे हैं और अल्लाह तारा जिंदगी के आखिरी सांसों तक ये काम उसको देता है। मेरी दो बेटियां हैं, दोनों की शादी कर दी है और नवासे नवासे वाली मेरे हस्बैंड के बाहर है, पढ़ती रही फिर शादी कर दी, पढ़ने लेकिन अल्लाह का शुक्र है सबसे बड़ी बात दामाद आपने रिकॉर्ड करके मतलब
इसीलिए ज़कात का सिस्टम भी रखा गया, लेकिन अभी क्या बड़े बड़े इदारों में दे दी जाती है, गरीब फिर रह जाते हैं कपड़े। अभी ये बहुत अच्छा वर्क कर रही है कि रमजानों में राशन कपड़े उनके लिए, ताकि तुम महरूम ना रह सके। बात कर रही है कि आप सिर्फ एक छोटी सी मिसाल, ज़कात कितनी बड़ी तादाद है बैंकों में, सबसे ज्यादा कोई आज तक ऐसी जगह बनी लगाया गया और उससे आम बेचारा गरीब आदमी फायदा उठा रहा हो। गरीबों तक प्रॉपर नहीं पहुँचे उस सब तक हम और आप बिल्कुल नाकाम लोगों की तरह ऐसी तो सही देना चाहता हूँ कि तालीम हमारे ऐसा काम जो मैंने तालीम को बढ़ा, उसको बढ़ाने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं होती, उसके लिए हम अपनी भरपूर खुद कोशिश करते हैं तालीम को आगे से आगे बढ़ें। इसके लिए हमने एक छोटा सा अदारा खोला है जहाँ हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपने उस पर सारा चला रहे हैं। कोई डोनर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, कुछ करते नहीं, वो आए आगे बढ़े। और अगर वो थोड़ी सी भी हेल्प करें तो अगर हम 100 बच्चों को पढ़ाएं तो मे बी पॉसिबल हम 100 की जगह 200, 300, 500, 1000 को पढ़ा सकें, लेकिन कब कोई हमारे साथ खड़ा हो, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, तो इससे आगे भी करेंगे, लेकिन तब तक ये तो जाकर हम स्टॉप होंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं तो तालीम को आगे बढ़ना चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आप आए कॉन्टेक्ट करें, रब्ता करें, खुद आके देखें, मेरे भी कोई ऐसी बात करें या बैठ के कैमरे के पहले विजिट करें, अचानक आए बाहर बताएं, देखें कि हमें बाकी ऐसा हो रहा नहीं है, अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो बिल्कुल हमारे साथ। तो फॉरवर्ड आगे चल, मैं तो फिर ये कहूँगी कि अगर गरीबों का ख्याल रखना है तो उनको भी चाहिए। अगर कोई बड़ा आदमी आ गया तो आपका प्रोजेक्ट कैसे, इसलिए अपनी कोशिश से अपने काम को आगे बढ़ाइए और बस ये कहूँगा कि क्या नाम ये कहता है कि समझ सकते हैं।
वो बाहर जाएगी।